उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मंचलों से सरेरा एक लड़की से की छेड़छाड़, छेड़छाड़ की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तीन मंचलों को किया गिरफ्तार। जारंगली रांची में मंचले को छेड़खानी करना पड़ा भारी। अल्बर्ट एक्का चौक पर स्थानीय महिलाओं ने मंचले को पकड़ा और चप्पल से पीटा। पिटाई के बाद आरोपी को किया गया पुलिस के हवाले। यूपी के सहारनपुर में एक स्कूल का फर्जीवाड़ा आया सामने। नाराज अभिभावकों ने स्कूल में किया हंगामा, महिलाओं ने स्कूल प्रिंसिपल को पीटा। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से पुलिस ने फर्जी पुलिस वालों को पकड़ा। गिरफ्तार किए गए तीन लोगों में एक महिला भी शामिल। तीनों पर नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगारों को ठगने का आरोप। यूपी के कानपुर में चकरपुर मंडी में व्यापारी, आढ़ती और किसान हड़ताल पर। हड़ताल कर रहे लोगों को समझाने पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट के साथ बदसलूकी। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज भी किया। हरियाणा के फरीदाबाद में शराब के नशे में धुत दो बदमाशों पर एक घर पर पत्थरों से हमला किया। तोड़फोड़ की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो फरार हुए बदमाश। यूपी के गोरखपुर में सेंट एंड्रूज कॉलेज में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कॉलेज में घुसे कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के कर्मचारियों से मारपीट की। कॉलेज मैनेजमेंट ने मामला दर्ज किया। यूपी के मुरादाबाद जिलाधिकारी कार्यालय में प्राथमिक विद्यालय में तैनात एक महिला प्रधानाचार्य अभद्रता का आरोप लगाते हुए रोने लगी। महिला का आरोप था कि ग्राम प्रधान की ओर से उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनका यौन शोषण हो रहा है। उत्तर प्रदेश के बरेली में आईसीआईसीआई बैंक में एक शख्स का 20 लाख रुपए से भरा हुआ बैग चोरी हो गया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस चोर की तलाश में जुटी है। यूपी के गाजियाबाद इलाके में साहिबाबाद में स्कूल ड्रेस में दो छात्रों ने चुराई स्कूटी। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश। पंजाब के बठिंडा के गांव बलियावाली में एक वीडियो वायरल। वीडियो में दिख रहा है कि गांव के लोगों ने एक युवक को पकड़ा है जिस पर नशे की खेप बरामद होने का आरोप लगा है। यूपी के उन्नाव में प्रेमी प्रेमिका का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दोनों के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिले में बुजुर्ग महिला से लूट। बदमाश ने मंदिर जाते समय बुजुर्ग महिला के गहने लूटे। वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। पुलिस कर रही है तलाश। गुजरात के अहमदाबाद में बुजुर्ग के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात। वारदात सीसीटीवी में कैद। फुटेज की मदद से पुलिस मामले की जांच में जुटी। एमपी के विदिशा में पैर फिसलने के बाद नदी में गिरा युवक। पुलिसकर्मियों ने पानी के बीच पेड़ पर बैठे युवक को जान जोखिम में डालकर बचाया। विभाग ने पुलिसकर्मियों के लिए इनाम का ऐलान किया। मध्य प्रदेश के सागर में तेज बारिश के बाद निहानी गांव में फंसे सात लोग। रेस्क्यू टीम के पहुंचने के बाद इन्हें बाहर निकाला जाएगा। एमपी के मुरैना में भारी बारिश के बाद बने बाढ़ जैसे हालात। कई नदी नाले भी उफान पर, लेकिन प्रशासन ने मूंद रखी आंखें। लोग जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं नदी नाले। मध्य प्रदेश के दामों में बाढ़ में फंसे सात लोगों को सुरक्षित बचाया गया। एक महिला और दो बच्चियों समेत पांच लोगों को बचाया गया। करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इन्हें पानी से सुरक्षित बाहर निकाला गया। एमपी के छतरपुर में नदी में फंसे युवक को भी पुलिसकर्मियों ने बचाया। लाइफ जैकेट और रस्सी के सहारे युवक को बाहर निकाला गया। धसा नदी में अचानक पानी आने से नदी में फंसा था युवक। मध्य प्रदेश के नीमच में बारिश के चलते हालात हुए बदतर। लोगों को हाथ पकड़कर एक दूसरे को बचाना पड़ा। दहशत में दिखे लोग। जोधपुर में बारिश की वजह से पावटा में गिरी होटल की दीवार। रेस्क्यू किए गए तीन युवकों की मौत। होटल में दोस्त का बर्थडे मनाने पहुंचे थे। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के ऊना शहर में बाढ़ में पानी की वजह से गलियों में पहुंची मछलियां। लोगों ने मछलियों को पकड़ना शुरू कर दिया। आज अविश्वास प्रस्ताव पर मोदी सरकार की अग्नि परीक्षा। मोदी सरकार कल चार साल में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव का आज करेगी सामना। आज अविश्वास प्रस्ताव के लिए पार्टियों के बोलने का भी वक्त तय। प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बीजेपी को 3 घंटे 33 मिनट का वक्त, जबकि कांग्रेस को 38 मिनट का वक्त। आज अविश्वास प्रस्ताव पर शिवसेना नहीं करेगी सरकार के खिलाफ वोटिंग। सूत्रों के मुताबिक टीडीपी को समर्थन के लिए तैयार नहीं है उद्धव, बीजेडी सरकार के खिलाफ। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बोले झारखंड के सीएम रघुवर दास। देश की जनता मोदी के साथ। क्षेत्रीय दलों की कांग्रेस बनी बी टीम।
हेमंत सोरेन बोले, जनता की अदालत में हकीकत बनेगा प्रस्ताव। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी मारा गया, कई आतंकियों के छिपे होने की आशंका। बाटपोरा इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। पंजाब के अमृतसर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी को घुसपैठ की कोशिश के दौरान मार गिराया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लश्कर के आतंकी अर्शद डार के परिवार की घर वापसी की अपील। परिवार की अपील, आतंक का रास्ता छोड़कर घर लौटे। आज से देश भर में ट्रक ऑपरेटर हड़ताल पर, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का आज से बेमियादी हड़ताल का ऐलान। बढ़ सकते हैं रोजमर्रा की चीजों की कीमतें। AIMTC की हड़ताल में 93 लाख ट्रक ऑपरेटर शामिल हैं। डीजल को GST मिलाने, टोल सिस्टम में बदलाव और इंश्योरेंस समेत कई मुद्दों को लेकर हड़ताल। महाराष्ट्र में 4 दिन से जारी दूध आंदोलन खत्म, सरकार ने किसानों की मांगे मानी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कराया समझौता। महाराष्ट्र के दूध उत्पादकों को मिलेंगे 25 रुपए प्रति लीटर दूध के दाम, सभी दूध संघ प्रति 25 रुपए लीटर में खरीदेंगे दूध। आज GST काउंसिल की बैठक, सूत्रों के मुताबिक रोजमर्रा वाले 24 से 32 प्रोडक्ट पर कट सकती है GST की दरें। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में ई प्रगति कोर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ई प्रगति कोर प्लेटफॉर्म करेगा सरकार के सभी विभागों और लोगों के बीच पुल का काम। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान ने आयोग ने अनुसूचित जाति आयोग को दी जानकारी। पद्म भूषण गोपाल दास नीरज को दी जाएगी अंतिम विदाई, राजकीय सम्मान से निकली अंतिम यात्रा। लंबी बीमारी के बाद 93 बरस में दिल्ली के एम्स मिली अंतिम सांस। गीतकार गोपाल दास नीरज की मृत्यु पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख, यूपी सरकार का राजकीय सम्मान से उनकी अंतिम यात्रा निकालने और उनकी याद में हर साल 5 नए कवियों को पुरस्कार देने का। टीवी बहस में मारपीट करने वाले मौलाना कासमी की जमानत याचिका पर आज सेशन कोर्ट में सुनवाई, कल CGM कोर्ट ने खारिज की थी जमानत की अर्जी, पुलिस ने मौलाना के खिलाफ छेड़छाड़ की धारा भी बढ़ाई। लखनऊ में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई के बाद जिलों में विभाग की कार्रवाई में आगरा सराफा में भी सराफा कारोबारी के रेड, छापेमारी के चलते ज्वेलर्स की सभी दुकानें बंद की गई। यूपी के लखनऊ में इनकम टैक्स की रेड में हवाला और सराफा कारोबारी के ठिकाने से मिला 100 किलो सोना, अकेले 87 किलो सोने के बिस्किट की बरामदगी, करीब 10 करोड़ कैश भी मिला, कई लॉकर्स का पता चला, जांच जारी। मॉब लिंचिंग की वारदातों पर सरकार का संसद में बयान, अफवाहों की वजह से बड़ी ऐसी घटनाएं, गृहमंत्री ने कहा राज्यों को जारी की गई एडवाइजरी। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में किया दावा, दिल्ली में 2 महीने के अंदर हटेगा रेड़ी और खोमचे का अतिक्रमण। उत्तर प्रदेश के बागपत में दिव्यांग ने पीएम मोदी से मांगी इच्छा मृत्यु, ट्वीट कर कहा बेरोजगारी की वजह से नहीं कर पा रहा बच्चों का पालन। मध्य प्रदेश के IAS अधिकारी फेसबुक पोस्ट को लेकर विवादों में गिरे, IAS शोभित जैन ने लिखा राजनीति लोगों को मूर्ख बनाने की कला है। बाजार में आएगा 100 का नया नोट, रिजर्व बैंक ने जारी की तस्वीर, बैंगनी रंग का होगा 100 का नया नोट। फेक न्यूज को लेकर विवादों में घिरे व्हाट्सएप को सरकार का दोबारा नोटिस, सिर्फ फॉरवर्ड लेबलिंग से नहीं सुधरेंगे हालात, सरकार ने कहा कुछ और जरूरी कदम उठाए कंपनी। BCCI की वेबसाइट पर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के तौर पर कोहली की जगह धोनी का नाम, खबर वायरल होने के बाद भूल सुधारी गई। फैन को ऑटोग्राफ देते हुए कोहली का वीडियो वायरल, धोनी के साथ बाकी क्रिकेटर्स के इग्नोर करने के बाद आ गया कोहली। अर्जुन तेंदुलकर अपने पहले इंटरनेशनल मैच में 0 पर आउट हो गए, अर्जुन खेल रहे हैं श्रीलंका के खिलाफ अंडर-19 यूथ टेस्ट। BCCI घरेलू सीजन में इस बार 2000 से ज्यादा मैचों का आयोजन करेगा, सीजन की शुरुआत 17 अगस्त से होने वाली दलीप ट्रॉफी से होगी। स्वीडन के जंगलों में भीषण आग लगी, आग बुझाने के लिए इटली से मदद मांगी गई है, ड्रोन कैमरे से आग की तस्वीरों को रिकॉर्ड किया गया। अमेरिका के ओरेगन के जंगलों में लगी आग दिन ब दिन हो रही है बेकाबू, आग पर काबू पाने की कोशिशें हो रही है नाकाम।
आग के कारण पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार छाया हुआ है। आग बुझाने की कोशिश में जुटे दो कर्मचारी भी आग की चपेट में आ गए। आसपास के इलाकों को खाली कराया गया।